As a female rapper, if I uh, make songs about being a female rapper and facing my challenges and all of that, then I'll not be taken seriously. Mm -hmm. One time she sliced my skin off my thumb for no reason, just टाकूले के खच्कर के उड़ा दिया ये स्किन. हाली में व्हेन यू वेर आट द कपिल शर्मा शो, बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस भी थे कि तरहरी पार्श वगैरह के साथ वाईशी mm -hmm. और. Does it affect you? Do these things affect you? नॉट रियली बिकॉज कोई भी ना सामने आके ऐसा कुछ बोलता ही नहीं hmm. सब लोग वहाँ बोलते हैं जहाँ पे दिखेंगे नहीं वो बोलते हुए hmm. स्क्रीन के पीछे हाउ डज इट फील बींगीमेल रैपर जो मेल रैपर्स है दुनिया के उनको आप सिर्फ रैपर बोलते हैं राइट hmm. क्यों क्यों वो मेल नहीं है यू नो दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द जेंडर वाई यू स्पेसिफाई माई जेंडर जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल यू फील कि आप इजिली कुछ भी बोल सकते हो मुझे और मैं सवाल का जवाब दे दूंगी और इधर से निकल जाऊंगी चुपचाप यू नीड मी टू अप वाई बिकॉज वुमन We had an absolutely heartening conversation with MTV Hustle 2.0 Sensation and one of the coolest rappers, Shishti Taure, where she talked about her life before and after MTV Hustle. उन्होंने बचपन गाने के पीछे पूरी जो कहानी थी वो हमें बताई और साथ ही साथ मैं नहीं तो कौन बे इस गाने के बारे में भी हमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स दिए साथ ही एक गर्मा गर्म रैपिड फायर भी आ रहा है सो श्योर यू वेट ऑल द वे टिल द एंड शी टेल्स अबाउट हु हर फेवरेट फेलो रैपर्स आर फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड नाउ चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो हाय गाइस मैं हूँ उठमेन वेलकम टू हंगामा म्यूजिक रूम आज हमारे साथ एक सिंगर है एक राइटर है एक रैपर है एक छोटा डॉन है और ये नहीं तो कौन है ये सृष्टि थैंक यू सो मच कशी आहेस खूप cool, मस्त काय रहे आयुष्यत काम 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 बस काम इट्स सो नाइस टू सी यू सृष्टि एंड सची में द एनर्जी द पावर दैट यू ब्रिंग विथ योर परफॉर्मेंसेज विथ विथ वू कंग्रेचुलेशन थैंक यू बहुत इंस्पायरिंग है थैंक यू तो मैं डिरेक्ट अटैक करना चाहूँगी कि ये बताएं दैट हाउ डिट इज ऑल बिगिन म्यूजिक आप तक कैसे पहुँचा म्यूजिक से पहले मैं राइटिंग करती थी बट hmm. uh, मेरी मम्मी जो है वो प्रोफेशनल कीर्तनकार है मतलब नर्स अच्छा। है लेकिन उसके अलावा प्रोफेशनल कीर्तनकार भी है तो वो कीर्तन वगैरह करती है और उन्होंने घर पे बहुत मतलब मुझे आदत है वो प्रैक्टिस सुनने की ना हमेशा से तो वो ही काफ़ी सुना है और वहाँ उनके साथ बैठ के मैं तबला बजाती थी तो साथ में मैं प्रैक्टिस के वक्त हेल्प कर देती थी उसमें मैं सीखने लग गई उनकी हेल्प करते करते ओके। एंड म्यूज़िक काफ़ी रैंडमली शुरू हुआ बिकॉज मैं लॉकडाउन uh, जब चल रहा था तब मैं पैरडी सॉन्ग्स लिखने लगी थी आउट ऑफ नो वेयर ओके जस्ट बिकॉज इट वॉज इट सीम ड फन तो कुछ करियर वेरियर का सीन नहीं था तभी कि इसमें करियर बनाना है हाँ. मेरे को बस मज़ा मज़े के लिए लिख रही थी और मज़े के लिए वो बनाना शुरू किया पोएम्स पैरडी सॉन्ग्स वो सब और पता ही नहीं चला कब गाने बन गए कितनी प्यारी कहानी पर इज इट ट्रू कि लॉकडाउन से पहले आप बहुत सारे पोइट्री कॉम्पिटिशन्स का भी हिस्सा लेती थी पार्ट करती थी आप लॉकडाउन से पहले मैं कुछ नहीं करती अच्छा। थी लाइफ में कुछ ही नहीं करती थी लॉकडाउन <laughs> lockdown... ने क्या अलग मोटिव दिया है वाह वाह बट स्कूल में मैं स्कूल और कॉलेजेस में मैं काफी

सब हर चीज़ का कॉम्पिटिशन हाँ। हर चीज़ में होती थी मैं सिर्फ सिंगिंग में नहीं अच्छा। क्योंकि मेरे को बचपन से बोला था कि तेरा एकदम आवाज़ बेकार है तेरे, मतलब कॉन्फिडेंस लो कर रखा था तो सिंगिंग में पार्ट नहीं लेती थी और राइटिंग भी शुरू किया तो तभी भी कोई प्लान नहीं था सिंगिंग विंगिंग का मैंने सोचा था मैं कहीं मतलब जैसे राइटर्स कभी कैमरा पे तो आते हैं नहीं बैक स्टेज काम है हमारा ना तो मैंने सोचा था वही करना है मेरे को लाइफ में तो व्हेन यू से राइटिंग क्या लिखती थी आप पोएम्स पैरडीज स्केचेस um, लिखती थी स्टोरीज लिखती थी फिर एक स्क्रीन प्ले लिखा मैंने एक हिंदी फ़ीचर फिल्म का जो आई नहीं अब तक वो अगले साल आएगी और वो भी किसी और ही नाम से आएगी जिस नाम से मैंने लिखा था तो उस नाम से नहीं आने वाली <laughs> <laughs> तो हर uh, चीज़ लिखती थी मतलब हाँ। जो लिखा जा सकता है हर चीज़ डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब आपने रैप लिखा किसके लिखा था क्या इंस्परेशन था Uh, कुछ भी बहुत बेकार आंसर है इसका तो थैंक <laughs> यू <Thank you. laughs> बहुत बढ़िया <laughs> <laughs> कुछ इंस्पिरेशन नहीं था मैं बस पोएम्स लिखती थी और मेरा एक दोस्त है जो अनुराग कश्यप के साथ काम करता है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है प्रशांत सावंत उसने सजेस्ट किया था कि मुझे रैप लिखना चाहिए तो तब मैंने पहली बार रैप सुना था उसने hmm. बोला इसीलिए और दो तीन रैप सुने मैंने और मुझे समझ आया कि कॉन्सेप्ट क्या है क्या होता है किसको रैप बोलते हैं और फिर मैंने नेपोटिज्म के बारे में पहला रैप लिखा था अच्छा और uh, मजा आया तो फिर लिखते गई मैं वोट इंस्पायर के ऊपर बिकॉज मुझे इतना पता था कि मेरे को बेसलेसली नहीं लिखना किसी कॉन्सेप्ट लिखना और कौन से कॉन्सेप्ट uh, मेरा कोई ओपिनियन है तो नेपोटिज्म इज वन ऑफ द जिसपे मेरा एक स्ट्रॉग ओपिनियन है नॉट जस्ट ऐसा फिल्म इंडस्ट्री वाला नेपोटिज्म इन जनरल जो पापा का बिजनेस लेके भी करते हैं ना मेरे को नहीं लगता है कि लोगों को बस ऐसे ही अपना बिजनेस अपने बच्चों को दे देना चाहिए बच्चे में भी वो बिजनेस स्किल होना चाहिए hmm. तो इफ़ यू कैन डू Business business. as good as good or better than your father, hmm. then you take over the business. Otherwise, it it. makes no sense and and it's plain nepotism and I hate it. <laughs> <laughs> सही है यार बहुत सही है <laughs> 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 इतना अच्छा जवाब तो था इतना कमाल का तो था कैसे बन गया ये है मेरे साथ सीन क्या जो करते पता नहीं होता मेरे वो कैसे बचा था <laughs> 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 लेकिन एम टी हासिल में फिर एंट्री कैसे होती है how did, how did life happen there? Um, एंट्री ऐसे हुई है कि मैं डेटिंग ऐप्स पे थी पहले hmm. तो डेटिंग ऐप्स पे मैं लोगों को रैप सुनाती थी, थी और वाओ wow. तो क्या बात है <laughs> <laughs> यार हाज तो बहुत मजा आया <laughs> बहुत मजा आने वाला है हाँ तो रैप सुनाती थी, थी और लोगों को मतलब उनमें से किसी ने मुझे बोला कि हसल करके एक शो है उसका ऑडिशन दे तो मैंने तब हंसल देखा फर्स्ट सीजन और फिर ऑडिशन दिया

सो अह डिड यू लाइक ऑडिशन एमटीवी हसल में uh, जब आपने सोचा कि अब अच्छा चलो करना है तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड लग रहा था कि इतना आगे तक जाएंगी नहीं लग तो नहीं रहा था बट <coughs> मुझे पता था कि जाना चाहिए मैंने hmm. कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए hmm. हमेशा से तो मुझे पता था अगर मैं चली गई तो मैं बहुत कुछ बोल के ही आऊंगी hmm. और ऑडिशन uh, जब ऑडिशन के एंट्रीज खुली थी ना तो जितनी देर वो खुली थी जितने महीने उतने मैंने हर दिन हर दिन तीन चार बार वो फॉर्म भरती थी मैं एवरी डे तो मैंने बहुत सौ से ज़्यादा बार वो फॉर्म भरा उसके बाद कॉल जब तक आया नहीं तब तक भरती गई फॉर्म और तब मैंने पहला अपना रैप म्यूज़िक वीडियो रि रिलीज़ करा था तो पहली बार म्यूज़िक वीडियो बनाया था मैंने हर से पहले ऑफिस इट्स कॉल्ड ऑफिस इट्स अबाउट ऑफिस लाइफ ओके और उसमें मतलब उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मैं ऑफिस के काम से तंग आ चुकी और मैं अपना क्रिएटिव साइड है उसमें करियर बनाना चाहती हूँ hmm. तो उस वीडियो में भी मैं स्टार्टिंग में अपने लैपटॉप पे ऑफिस में काम कर रही हूँ और छुपके से नाइंट का फॉर्म भर रही हूँ कि काश किस इसमें हो जाए उस वीडियो के तुरंत बाद हसल का ऑडिशन हुआ एंड वट एवर आई होप फी मैनिफेस्टेशन हो गया आई नाउ Yeah. जो मतलब तब तो मेरे को नहीं पता था कि ये, मैं मैनिफेस्ट कर रही ऐसा हो सकता है, तो कि आप अपना बनाती है ऐसा कुछ डू जनरली यस को अपने स्ट्रेंथ्स पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग स्किल क्या है वगैरह वगैरह है ना तो आई नो वॉट विल गो वेयर कहाँ जाना है वो समझ आता है और uh, मेरे में पता नहीं किस बात का पहले से कॉन्फिडेंस रहा है बहुत ज़्यादा <laughs> Uh, जब बिल्कुल मतलब हसल वगैरह नहीं हुआ था नो बडी न्यू मी एंड आई वॉज राइटिंग दैट स्क्रीन प्ले जिससे मुझे लग रहा था अब मैं दुनिया बदल दूंगी स्क्रीन प्ले से वो पता नहीं अब कहाँ है वो तो <laughs> <laughs> तो वो स्क्रीन प्ले जब लिख रही थी तब भी तब मुझे कोई नहीं जानता था लेकिन तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि आगे जाके फ्यूचर में इंटरव्यूज़ होंगे मेरे और मैं तभी मेरे साथ जो कलीग्स होते थे ना उनसे कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन में अगर कुछ फनी हो गया तो मैं तब बोल देती थी कि आगे जाके इंटरव्यू होगा ना उसमें ये वाली बात बताऊंगी देखो मतलब आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया था कि यहाँ पर हंगामा में मेरे साथ एक इंटरव्यू करने वाले हो आप लव इट आई लव इट इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन आई एम सो ग्लैड आई एम लकी टू इंटरव्यू यू बिकॉज कोर्स इतनी प्यारी जर्नी रही है इतना आई आई हैव विटनेस यू ऑन स्टेज एंड यू आर इलेक्ट्रीफाइंग मतलब एक एकजुट सबको रखती हैं आप एंड इट्स ऑल्सो द रीज़न वाई यू और कॉल्ड छोटा डॉन क्या इमोशन क्वीन uh, क्या हाँ। क्या करती रहती हैं आप बट टेल मी कि जब पहली बार आप ऑन दैट स्टेज जजेस के सामने थी द लाइट्स वर ऑन यू कैमराज वर ऑन यू क्या चल रहा था आपके मन में मेरे दिमाग में चल रहा था मुझे बहुत अच्छे से याद है ऑडिशन जब मैं दे रही थी फर्स्ट फर्स्ट टाइम स्टेज पे थी तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि यहाँ पे सारे एकदम हार्ड कोर रायपाज आ रखे हैं हाँ। और मैं कुछ और ही कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ वो पता नहीं इनको समझ आएगा कि नहीं और आ, मेरे दिमाग में था कि मैं तो एलिमिनेट होने वाली हूँ मैं सिलेक्ट होने का चांस ही नहीं है इधर तो मैं वही माइंड से चली गई थी कि इधर सिलेक्ट होने का चांस नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एपिसोड देखेंगे लोग जो अभी सिलेक्ट नहीं होते उनका एपिसोड बार बार थोड़ी कोई देखता है तो एक बार देखेंगे और वापस कभी कोई देखेगा नहीं तो क्या किया स्टेज पे क्या फर्क पड़ता है तो कुछ भी करके कर आ गई और सिलेक्ट हो गई बहुत बहुत सही कहाँ जा रही जा रही कुछ नहीं किया सिलेक्ट हो गई बहुत सही यार मतलब आई एम लविंग इट डीप ओके आई टू टॉक अबाउट इज सो कूल अबाउट इट हाउ डिड दिस सॉन्ग कम मलॉन्ग Uh, मेरे ना बहुत सारे लोगों के साथ ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी में जितने भी ऐसे वो वो लोग हैं ना जो कहीं नहीं जाने वाले hmm. है मेरी जिंदगी में सारा टाइम शुरू से चल ही रहे अभी हाँ. तक तो. उन सब के साथ मेरी डिबेट हो चुकी है भगवान को लेके और uh, क्या कहते हैं जो ऐसे हॉट होत टॉपिक्स होते हैं ना पॉलिटिक्स ये वो ये वो सब डिबेट होती रहती है मेरी बहुत बहुत डिबेट और मेरे घर पे मैक्सिमम मेरी मम्मी के साथ मेरी मम्मी कीर्तन है ना प्रोफेशनल तो बहुत मेजर डिबेट होती है भगवान पे बहुत ही ज्यादा लेवल पे और ऐसे घंटों घंटों हम लोग चाय पीने बैठे रात तक वहीं बैठे रहते हैं डिबेट ही कर रहे हैं ऐसा मेरे पास इतना कंटेंट जम गया था उन डिबेट्स में से भगवान के बारे में कि आई था uh, मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स है जो जनरल कॉमनली एक्सप्लोर्ड नहीं है ये हमारे डिबेट में से निकले हैं ये पॉइंट्स नए नए ईजाद हुए तो वो पॉइंट्स मेरे को रखने चाहिए इस इसका गाना बन सकता है ये गाना किसी ने बनाया नहीं है

तेरे रास खोल रहा हूँ तेरा अच्छा बुरा पाप पुण्य सब तोल रहा हूं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में ये सच खोल रहा हूं भगवान बोल रहा हूँ है भगवान बोल रहा हूँ तेरा अच्छा बुरा पाप पुण्य सब तोल रहा हूं दुनिया के आगे तेरे सारे रास खोल रहा हूं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में ये सच खोल रहा हूं <laughs> Just kidding. Rhyme कर रही थी सारी लग रही थी सोचा ले, अरे अरे नस नहीं होना पर पज नहीं था भर रहा है. कि तू भी और जैसी डर जाए मैं तो आया था कि बाकी भी सुधर जाए दिखावे के लिए वो भक्ति भी ना कर पाए मंदिरों से मस्जिदों से अपने अपने घर जाए द रीजन दैट आपका काम जो है वो इतना रिलेटेबल है uh, बहुत सारे रैप्स में अपने गानों में या फिर जो भी इमोशन ले के आती जो भी कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ वो पूरा पूरा मेरे लाइफ में रैंडमली चलते रहता है उसमें से उठा के उसका गाना बना देती हाँ. हूँ वो वो बात है तो मुझे ना घर पे आ, अकेले मैं पूरा टाइम मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम्स अकेले ही रहते अपने बेडरूम में बैठी बैठी तो मेरे को बहुत बात करने की आदत है खुद से बहुत ज़्यादा अभी जैसे अभी हम इंटरव्यू में बात करें ना तो मैंने इमेजिन किया था थैंकफुली आपने अभी तक वो सवाल नहीं पूछा मेरे से लेकिन मेरे को बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ डज़ इट फील टू बी अ फीमेल रैपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरा मोस्ट हेटेड क्वेश्चन है तो ना मैं ही घर पर बैठे बैठे

जो मेल रैपर्स है दुनिया के उनको आप सिर्फ रैपर बोलते राइट क्यों वो मेल नहीं है आपको नहीं लगता वो इनफ मेल है उनको और मरदान की दिखाने की जरूरत है तब आप उनको मेल रैपर बोलोगे नहीं बिकॉज यू नो दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई द जेंडर वाई यू स्पेसिफाइ माई जेंडर जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल यू फील कि आप इजिली कुछ भी बोल सकते हो मुझे और मैं सवाल का जवाब दे दूंगी और इधर से निकल जाऊंगी चुपचाप नहीं नहीं यू नीड मी टू शट 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 अप 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 व्हाई बिकॉज़ आई 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 एम एम अ अ वुमन नो 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 शटअप <laughs> Bohut sahi. Bohut sahi. Asa, but this question i want to ask have you faced challenges do you think that you know being a rapper and being a female hmm. see i'm being hmm. very careful <laughs> <laughs> is it challenging because people might not take you seriously do you feel that could be one thing that you face i feel like as a female rapper if i uh, make songs about being a female rapper and facing my challenges and all of that एज अ राइटर आई नो दिस वन रूल की कोई भी अच्छी स्टोरी अगर लिखनी है और कैरेक्टर कन्विंसिंग बनाना है प्लॉट कन्विंसिंग बनाना है तो यू डोंट टेल यू शो येल शो कि अगर आपका कैरेक्टर सैड है तो डोंट राइट इट लिटरली किना वॉज सैड मेक दैट कैरेक्टर डू समथिंग दैट्स शोज यू की वो सैड yeah. uh, है तो ये मैंने अपने लाइफ में इम्पलीमेंट किया है कि इफ आई वॉन्ट टू शो दैट आई एम

एंड दे आर वेरी प्राउड बोथ माई पेरेंट्स सुपर प्राउड इतना प्राउड है कि वो मेरे को हैंडल करने नहीं आता है मेरे को पता नहीं इसका करना क्या है इतने सारे प्राइड का क्या करूँ डिंडोरा पीटता है कि नहीं पार्टीज में embarrassing कर, होता है कि नहीं हमारे घर पे ना एक बार टी वी रिपेयर करने के लिए एक आदमी आया था और मैं बेडरूम में बैठी थी दरवाजा बंद करके तो टी वी रिपेयर कर रहा है वो और मेरे पापा खड़े ऐसे बगल में और शांति से उसकी बातें सुन रहे ताकि बाद में वो पापा की बातें सुने हाँ पहले शांति से बातें सुन रहे और फिर पापा बोलते हैं कि तुमने वो गाना सुना है मैं नहीं तो कौन करके गाना आता है सुना है तो बोला हाँ हाँ वो एक लड़की है ना जो शो पे तो बोलते अच्छा सुना है आपने तो <laughs> फिर इधर गुड्डी ऐसे करके बुलाया मेरे को बोलते यही है ना हेलो <laughs> सो, सो फनी तो <laughs> मेरी मॉम सो आई वॉज फ्रॉम रेडियो मेरी मॉम uh, कई बार मुझे कॉल करती थी ड्यूरिंग माय शो हाँ बेटा फ्री है क्या hmm. और गाने वाने चल रहे ना तेरे मतलब क्या हुआ <laughs> अरे ये टैक्सी वाला तेरा शो सुन रहा है तेरा बात कर ले अरे डिस्काउंट देगा मुझे अरे फ्री में छोड़ देना <laughs> इमेजिन आई ये डिस्काउंट से रैंडम याद आया बहुत हसल से पहले की बात है जब मैं ना ओपन मैक्स जाती थी और ओपन मैक्स में परफॉर्म करती थी बहुत ज्यादा तो अभी वहाँ पे जाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था मैं चेंबूर से आ रही हूँ अंधेरी जा रही हूँ इधर जा रही हूँ बैंड्रा वैंड्रा कहीं ना कहीं जा रही हूँ तो बहुत लंबा रास्ता था ना तो ट्रेन फिर ट्रेन के बाद और कोई रिक्शा फिर और ऐसे मल्टीपल इससे तो एक बार मैं रिक्शा पकड़ने की कोशिश कर रही थी और बहुत सारे लगातार बहुत सारे रिक्शा वालों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं फिर फाइनली एक रिक्शा वाले ने हाँ बोला तो मैं बै, पीछे बैठे बैठे ना मैंने एक तभी मैं पैराडीज लिखती थी हाँ। पीछे बैठे बैठे एक पैराडीज सॉन्ग लिखना शुरू किया इस इवेंट के बारे में कि सब रिक्शा वाले मना कर देते हैं हाँ। हर बार तो उस बारे में लिखना शुरू किया और लंबा रस्ता था तो थोड़ा टाइम मिला मेरे को लिखने का लिख दिया और फिर उनके ना ऑडियो ऑन करा फोन में ऑडियो ऑन किया और फिर उनको बोला कि भैया मैंने आपके लिए गाना लिखा है <laughs> तो उनको सुनाया Do वो गाना so that, uh, मैं पैसा कम हो गया <laughs> भाड़ा गया <कर> <laughs> अच्छा गोना टॉक अबाउट दिस वन ट्रैक दैट एंड तक लाइफ के एंड तक चलता रहेगा एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यूज आई यू ऑलरेडी टायर्ड ऑफ मैं आपको बता नहीं सकती हाउ मेनी टाइम्स आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आई एम टायर्ड ऑफ दौन ये बोल बहुत बार बोल के भी हो गया ये टायर्ड बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई ऐसा नहीं कि इतना मेरे को मजा नहीं आ रहा मेरा गाना वायरल हुआ ऐसा नहीं है बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऐसा लग रहा है रैप कर रही है. है ऐसा नहीं है कि <laughs> समझना है बातें कहाँ हो रही है और रैप कहा था ना वो पर्पज समझने के बदले लोग उस उसमें सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाते <laughs> मेरे को था कि वो पर्पस भी समझे अगर सौ मिलियन लोग सुन रहे हैं हाँ। तो सौ मिलियन लोगों को पर्पज तो पता चले कि इस गाने में मैं बोलने की क्या कोशिश हाँ। कर रही हूँ सिर्फ हुक सुना है ना बस उस बात का गम है मेरे को और सिर्फ हुक के बारे में सवाल पूछ पूछा था कि मैं नहीं तो कौन मैं नहीं तो कौन कहाँ से आया बाकी का गाना तो सुनना बाकी गाने में इतना मटेरियल भरा हुआ है मैंने उसका क्या ग्रुप टेल मी कितना मजा आया बनाने के लिए गाना आई विल टेल यू हाउ आई मेड दिस सॉन्ग तो हम लोग एक ही होटल में सारे कंटेस्टेंट्स रहते थे ना और मुझे इतना मे मतलब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि आई एल इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में होगा कि मैं डिस करने जा रही हूँ अभी आई एल गिवे बड़ी शाउट आउट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव अ पॉइंट ये पॉइंट है कि जस्ट टू बी कॉल्ड अ रैपर यू डोंट नीड टू बी डिसिंग समबडी Hmm. and by doing the opposite also you still a rapper because rap 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 is is not about diss. Right. Rap is about diss yeah point clear shout out dena hai and all of that मैंने एक और सोचा कि उनके ही तरह से उनको दूंगी कि जिसको शाउट आउट दे रही हूँ फॉर दैट मोमेंट तो अभी जैसे पैराडॉक्स क्यूके और एम सी स्क्वायर चार जन को शार्ट आउट दिया था उसमें पहले तो उन चारों के साथ बैठ के ही उनकी उनकी भाषा में उनसे ही लिखवाया है मैंने वो लाइन मतलब मैंने हिंदी में लिख के दिया कि मेरे को तेरे बारे में ये बोलना है मेरी फीलिंग ये है और उसको अभी हरियाणवी में कन्वर्ट करके दे दे इसमें कन्वर्ट करके दे वैसे कन्वर्ट करके लिया उनसे तो आधा गाना तो उन नहीं लिख दिया चार जन ने <laughs> <laughs> फिर बचा हुआ आधा जजेस के बारे में था दैट वॉज सिंपल बिकॉज हिंदी में ही मतलब ऑलमोस्ट हिंदी में ही कर लिया वो मैंने तो वैसे करके गाना बन गया और पता ही नहीं चला कब गाना बना क्योंकि ना मैं गाना लिखा ही ऐसे प्रोसेस में है कि मैंने रूम में बैठ के अपने अकेले में शुरू किया फिर मैंने सोचा इसके पास जाती हूँ उसके पास से ये लिखवाती हूँ अभी आ, पारा पैरा खाना खाने बैठा हुआ था तो खाना खाते खाते मैं उसको बता रही हूँ हाँ हिंदी में ऐसा है तो हरियाणवी में कैसा रहेगा और उधर खाना खाते 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 लिख लिया फिर कहीं और गई कोई गार्डन में बैठा है कोई यहाँ बैठा है कोई एक्सरसाइज कर रहा है इधर उधर करके दो दो लाइन करके मेरा गाना बन गया

ऐसी जगह से आया है कम फ्रॉम समथिंग दैट द राइटर रियली बिलीव्ड इन कि लाइफ में मेरा टाइम आएगा ही मस्ट हैव बिलीव दैट्स व्हेन ही मस्ट हैव रिटन दिस तो मेरे साथ मैं नहीं तो कौन वाज समथिंग आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ बिकॉज वेर एवर आई वेंट विद माय स्किल्स माय राइटिंग स्किल्स स्पेशली ओपन माइक्स एंड ऑल जो मैं बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंट था एवरी डे एज टू गो टू ओपन माइक्स तो <coughs> वहाँ पे ना आफ्टर uh, परफॉर्म आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू दैट फीमेल रैपर थिंक नाइस यू गो टू ओ ओपन माइक्स तो क्या होता था मैं मेरे साथ एक कोई ना कोई एक दोस्त होता था वो भी परफॉर्म कर रहा होता था तो so, mm -hmm. मेरे ऐसे ही दोस्त बने थे परफॉर्म करते करते ही दोस्त बने थे तो so, एक दोस्त हमेशा मेरे साथ हर ओपन माइक में हम दोनों साथ में जाते थे तो so, जाके पहले बैठते थे ऑडियंस में और बाद में वो लोग आके नाम लिखवाते थे ना कि कौन कौन परफॉर्म करा है नाम तो वो आते थे और ये मेरे साथ जो दोस्त था उसका नाम लिखवाते थे और मुझे पूछते थे आप इनके साथ आए हो तो उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि लड़की आई है वो परफॉर्म करेगी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी पहले से तो ना और कोई कोई लड़की नहीं होती थी वहाँ पे मेरे अलावा तो उनको लगता था मैं एज एन ऑडियंस आई हूँ मतलब परफॉर्मेंस के लिए कोई लड़की हुँ. नहीं होती थी ऑडियंस में आती थी, थी वो लड़कियाँ जो आती थी तो उनको लगता था हर एक ओपन माइक में पहले, पहले पहले लगता था कि ये तो ऑडियंस ही आई होगी ऑडियंस बन के ही आई होगी फिर मैं जब परफॉर्म करने लगी तो आई वे वेरी कॉन्फिडेंटली से दिस कि आई यूज टू ना ठीक है ठीक है आप बोलिए <ओली>, आप बोलिए <laughs> कि आई यूज टू स्टील द शो एवरी टाइम बिकॉज मैं एक तो मैगी का रैप लेके जाती थी जो तब लिखा था मैंने बहुत शुरू किया था दैट वॉज अ शो स्टीलर अकेले उसमें सब निपट जाता था कि उसके बाद किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बट अदर देन दैट मैं गजले लेके जाती थी जो मैं लिखती थी गजले शायरी पैरडी सॉन्ग्स ऑल ऑफ दैट एवरी थिंग आई टू परफॉर्म और uh, धीरे धीरे ना ये एक इम्प्रेशन बिल्ड हो गया ओपन माइक के सीन में मुंबई में कि आ, अगर ये आई है इसको गलती से भी पूछो मत कि तुम बैठने आई हो क्या एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग स्केर्ड ऑफ दैट स्केर कि अगर मैं आई हूँ तो कोई मेरे से इसके अलावा बात ही नहीं कर रहा कि आ, आज नया है क्या, क्या कुछ बस इतना नहीं पूछते थे तो ना फिर मैं धीरे धीरे होस्ट करने लग गई वो ओपन माइक अच्छा और फिर धीरे धीरे खुद ऑर्गेनाइज करने लग गई ओपन माइक्स तो मतलब टेक ओवर कर लिया <laughs> जो ओपन मैं करे तो उनका बिजनेस ले लिया ऐसा तो, लग रहा है कि किसी डॉन की कहानी धीरे दिर धीरे मैंने शहर पे कब्जा लिया <laughs> और मैं बन गई डॉन तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो समवेयर समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम कि आई नीड टू शो एंड नॉट टेल वहाँ पे बैठ के सिर्फ बोलने बोलना नहीं है या फिर स्टेज पे जाके भी आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट बीइंग अमेन एंड द स्ट्रगल बिहाइंड बिकमिंग अ सक्सेसफुल वुमेन फिर बीच में क्या क्या कितने सारे हॉर्डलो मेरे को खुद को पता है कि अगर मैं ये पार करके आगे जा सकती तो आगे क्या है क्या है आगे जाके वो अभी कर देती हूँ लवि बहुत बढ़िया यू ऑल्सो रिटर्न सॉन्ग विच इज ऑन योर चाइल्डहुड एंड आई मेमरी दैट वॉज एंट वेरी वेरी गुड फोर यू बचपन तो और आपने बहुत ओपनली इसके बारे में बात भी की सो यू यू टेल अस अबाउट इट मेड राइट बचपन बचपन दिस दिस इज का वो जो इंसिडेंट है दैट्स डिफाइनिंग इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ सो फार मतलब उससे ज्यादा डिफाइनिंग कुछ नहीं रहा है एंड एक्चुअली इन द सॉन्ग ऐसा लगता है सबको कि बहुत ऐसा थ्रिलिंग मैंने कुछ बता दिया बट uh, लिखते वक्त हमको वो बोला जाता है ना शो पे कि आप ये बोल सकते हो ये नहीं बोल सकते mm -hmm. तो वो जो नहीं बोल सकते ना उसमें मेरी मोस्ट स्टोरी कट गई <laughs> कि मेरी स्टोरी का मोस्ट पार्ट मैं बोल ही नहीं सकती क्योंकि ऑडियंस हैंडल नहीं कर पाएगी वैसा सीन तो uh, जितना बोला दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट स्टोरी ऑल्सो पूरी hmm. स्टोरी तो है नहीं बट आई वांटेड टू पुट दैट स्टोरी अक्रॉस बिकॉज एक तो जो लोग uh, इतने अब तक इतने करे इतना करेज नहीं दिखा पा रहे हैं स्पीकअप करने का दे विल फाइंड आउट दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपन टू मी

फॉर मी राइट नाव टू टेल दिस स्टोरी पहले मेरे साथ ये ये सब हुआ था एंड नाउ आई एम योर एंड इमेजिन योर सेल्फ डूइंग दैट तो बस उसके लिए बस उस फीलिंग के लिए यू शुड ट्राई टू यू नो ओवरकम योर ट्रामा एंड गेट समवेयर वेर नो बडी एल्स कैन गेट बिकॉज डे नोट है मतलब ये बचपन की स्टोरी है जब मैं चालीस हाँ आप सो mm -hmm. so, uh, मैं जब चार साल की थी मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो घर पर और मैं ओनली चाइल्ड हूँ तो घर पर बस मैं ही होती थी और हमारे पास एक स्टे ऐट होम मेड होती थी तो वेन आई वॉज फोर ईयर्स ओल्ड तो जो स्टे ऐट होम मेड होती थी हमारे घर शी वॉज हैविंग एन अफेयर विथ समबडी एंड शी वॉन्टेड टू हाइड इट फ्रॉम माई पेरेंट्स लेकिन घर पर मैं भी होती थी तो उनका बॉयफ्रेंड जब आता था घर पर तो मुझे दिखता था तो उनको डर था कि मैं बता दूँगी तो उन्होंने इस उस मतलब उनको छुपाना था अपना रिलेशन इसलिए मुझे मारना शुरू किया ताकि मैं छुप रहूँ एंड देन फिर झूठ बुलवाना भी शुरू किया कि मम्मी को बोलना कि साइकिल से गिर गई या फिर मैं कल अगर सच बोल दिया कि मैंने मारा तो मैं तुझे कल और मारूंगी तो वो डर बिठा दिया मेरे दिमाग में बिकॉज़ आई वॉज़ फोर ईयर्स ओल्ड मुझे लगा कल और मारेगी तो चुप बैठना पड़ेगा तो मैं तीन साल के लिए छुपी थी और तीन साल लगातार संडे छोड़ के रोज़ मार खा रही थी क्योंकि संडे को पेरेंट्स घर रहते थे तो उसके अलावा हर दिन मार खा रही थी और हर, वो नहीं होता वो बुक नहीं होता हंड्रेड एंड वेज हंड्रेड एंड वन वेज टू के लिए वो पढ़ लिया था उसने तो तो हर तरह से शी डिड नॉट लाइक घर पे ऐसा कोई सामान ही नहीं बचा था जिससे उसने मारा ना हो जिसपे रोज जब लगती थी तो पेरेंट्स पूछते कि she, मार uh, ना कि रोज शी यूज टू गिव सच कन्विंसिंग एक्सक्यूजेस ना कि साइकिल से गिर गई सीढ़ी से गिर गई स्कूल में ग्राउंड पे गिर गई कुछ ना कुछ और पेरेंट्स को लगा मैं वैसी ही क्लमजी हूँ मैं अभी तक एक्चुअली क्लमजी हूँ बहुत ज़्यादा हर जगह मेरे को दिन में पांच बार तो लगता है तो तो वो बहुत कन्विंसिंग था कि हाँ इसको तो लगता है इसका ये रोज़ साइकिल से गिरती है वो वो हो गया था एंड लाइक वन टाइम शी स्लाइसड माय स्किन ऑफ माय थम फॉर नो रीज़न जस्ट चाकू लेके खच करके उड़ा दिया ये स्किन एंड देन शी टोल्ड कि और इतना कन्विंसिंग पता नहीं कहाँ से लाती थी ये दिमाग में आता कहाँ से था कि उसने बोला कि मम्मी को बोला एप्पल से एप्पल कटर से एप्पल काट रही थी और उसमें ऐसा कट गया एंड इट्स लिटरली वैसा ही कटा था जैसा एप्पल कटर से कटता है तो उतना कन्विंसिंग वो सोच के रखती थी कि क्या बोलना है और वो बुलवाती थी मुझसे एंड दैट वेंट ऑन हैपनिंग फॉर थ्री ईयर्स जब तक मैं छः साल की हुई तब तक मतलब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब तक हो रहा था एंड देन फाइनली तब जाके मेरे को थोड़ी सी अकल आई कि ये बोलती है कि अगर बता दिया सच तो कल और मारूंगी तो मैंने तो तीन साल से सच नहीं बताया फिर भी मैं कल तो और मार खा ही रही हूँ तो उससे मैं बता दूंगी कब मार तो खाना ही है तो बता दिया पूरा माँ बाप को फिर उसको हमने निकाल दिया फिर माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने बोला कि आपके बच्चे लाई तीन साल तो इट वॉज नॉट बिलीवेबल फॉर द पुलिस एंड फिर कुछ हुआ नहीं फिर छूट गई बट so, मैं इधर आ गई पावर ऑफ राइटिंग राइट कितनी हिम्मत दी होगी आपको टू एक्चुअली राइट अबाउट इट एंड टू पेन वर्ड्स इमोशंस जो आपके आपके अंदर कब से बसे हुए हैं एंडोज आर कितनी कमाल है आई थिंक हिम्मत इज वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स बहुत तो, मतलब टॉप थ्री स्ट्रेंथ्स में hmm. एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर आता है और एक हिम्मत आता है तीसरा बदलता रहता है नाउ कमिंग टू द क्वाइट लेटेस्ट वन एक ऐसा गाना uh, जिसका जो टाइटल है वो कितना रिलेटेबल है क्योंकि हम हर जगह जाने से पहले दही शक्कर तो खाते ही सो देउट दही शक्कर दही शक्कर के पीछे ये थाट रहा है इनिशियल की एनी सेपरेशन और ब्रेकिंग अप फ्रॉम अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज लुकड अप ऑन एज समथिंग टू be sad about hmm. something to be angry about and uh, matlab मतलब sare negative emotions uh, jude hue hai breakup ke sath but i feel like and i have experienced this out of experience i feel that it's possible to achieve very positive emotions from a breakup yeah. because it इट uh, अगर आप थोड़ा मेच्योर्ड uh, इंसान के साथ रहे और आप खुद भी मेच्योर्ड हो तो आप समझ जाओगे कि इस ब्रेकअप के बाद आप दोनों इंडिविजुअली यू आर गोइंग टू बिकम बेटर पीपल एंड फॉर बिकमिंग अ बेटर पर्सन यू आर ब्रेकिंग अप एंड टू बी अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज़ यू गो अहेड इन लाइफ और आप कुछ तो बेटर ही कर रहे हो इसके बाद तो वाई डू है ये पॉसिबल है आई हैव मैनेज टू अचीव दैट ऑल्सो कि हाँ ये ऐसा ब्रेकअप पॉसिबल है जिसमें आप दोनों अपना अपना वो समझ जाओ कि आपके लाइफ में गोल्स क्या है एंड वाई यू नीड टू ब्रेकअप एंड देन यू कैन लाइक मेच्योर पीपल यू कैन स्टिल बी इन टच बी टॉकिंग टू इच अदर जस्ट नॉट बी इन दैट रिलेशनशिप एंड इट्स पॉसिबल एंड हाँ बस यही यही कम्युनिकेट करना था मुझे एंड आई थॉट दही शक्कर इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट बिकॉज दही शक्कर हर चीज़ की न्यू बिगिनिंग के पहले होता है ना तो आई थॉट कि ब्रेकअप इज लिटरली दय शक्कर कि आप ब्रेकअप कर रहे हो ताकि आप कुछ नया शुरू कर पाओ वाह ग्रेट थॉट यार अगेन आई आई लव हाउ देयर आर मेटाफर्स यूज एंड यू नो यू यू गेट मीनिंग टू ऑब्जेक्ट्स थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स पक्षी सो मेनी सो मेनी थिंग्स टुगेदर तो दय शक्कर तो सुनते हैं कुछ तो बदलेगा है ना फर्क पड़ेगा है ना जाने से पहले हो जाए सरासा दही शक्कर। ना ताब तोड़ के जाना थोड़ा आसान है ना जाने से पहले हो जाए सरासा दही शक्कर Yeah, like, yeah. so mm. बचपन में मेरे को इसी बात से <laughs> मतलब ए, ए, एक कंपटीशन से दूर रखा गया था. मतलब इनफैक्ट आई ऐसा प्रोमिनेंट मेमरी मतलब फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि ना मेरे एक मामा हुआ करते थे, थे। जो हर बात पे काफ़ी ऐसा रूडली एड्रेस करते थे हर चीज़ को ठीक है उनका नेचर ही वैसा था बात ही वैसा करते थे तो मैं छोटी थी छः साल की रही होंगी और मुझसे भी और एक छोटी बच्ची थी वो रो रही थी बहुत ज़ोर जोर का रो रही थी तो उन्होंने उसको चुप कराया ये बोल के कि चुप हो जाओ वरना तेरी आवाज़ इसके जैसी हो जाएगी और मैं वहीं खड़ी हूँ और मेरे सामने बोल दिया <laughs> और इतना वो ट्रामेटिक हो गया ना मेरे लिए कि इतनी ख़राब आवाज है कि डर रहे लोग कि ऐसी आवाज़ हो जाएगी तो इसीलिए मैंने कभी किसी सिंगिंग में कॉम्पिटिशन uh, में पार्ट नहीं लिया नथिंग एंड इवन इन कॉलेज सम पीपल डिड मेक मी वेरी इनसिक्योर अबाउटो कौन सुनना चाहता है क्यों अपना स्टेज पे जाके देखो क्यों uh, हशा का रहे तुला हाँ, हाँ. तो uh, उस चक्कर में आई वॉज अवे फ्रॉम सिंगिंग अ लॉट एंड इवन मैन आई गॉट इन टू हसिल it was rapping it did not need as a professional singing skills hmm. so i was very comfortable with that but ab uh, i got the right people around me but how so, do you how would you like to define yourself you know would you like to define yourself as a commercial rapper uh, just a writer uh, what's what do you think defines you as a personality uh, artist of all sorts hmm. because abhi tak, uh, maybe uh, recently recent times tak, लोगों को एज अ रैपर पता थी मैं अब दही शक्कर गा लिया अब और कुछ अगर गा दूँगी तो एज अ सिंगर पता लग जाऊँगी hmm. फिर स्टोरी लिख दी तो ऐज़ अ राइटर पता लग जाऊँगी लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं ये सब करती हूँ hmm. वो लोगों को एक, एक एक करके पता चलने वाला है बट आई नो वॉट ऑल आई एम गोइंग टू डू आई आई इट्स इन माई हेड राइट नाउ बट इट्स गोइंग टू बी आउट इन द वर्ल्ड वेरी सुन तो आई वुड रैदर बी कॉल्ड जस्ट आर्टिस्ट बिकॉज कोई भरोसा नहीं मैं कुछ भी कर दूँगी <laughs> Uh, I asked this question specifically because because uh, when you were at the Kapil Sharma show hmm. uh, mixed reactions why hmm. she it affect you? Do these things affect you? Not really because, uh, कोई भी ना सामने आके ऐसा कुछ बोलता ही नहीं hmm. सब लोग वहाँ बोलते जहाँ पे दिखेंगे नहीं वो बोलते हुए hmm. स्क्रीन के पीछे hmm. कोई भी नहीं सामने आके बोलता कोई भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनी मैंने ऐसे सामने आके मुँह पे किसी ने बोला की आप फालतू करती रे जो

<laughs> तो <laughs> प्राउड लोग <गा> आ जाओ आगे <laughs> साथ में चलेंगे ओके टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट सैम्पलिंग म्यूजिक जो हो रहा है इन देसी हिप हॉप कल्चर आई यू और फॉर इट क्या लगता है आपको उसके बारे में आई मीन इट्स ओके इफ इट सर्व सम समर्पज फॉर योर सॉन्ग बट इफ इट्स आई मीन जस्ट बिकॉज सम साउंड इज पॉपुलर एंड यू सैम्पल इट सो दैट यू आर ऑल्सो पॉपुलर देन यू नॉट रियली पॉपुलर इट्स द साउंड ओनली It's still the the sound that's popular. Would you do But it? Would you you do do it? If it? it If serves the purpose of my song, then then yes. Okay. Only other कुछ एड ही नहीं होने वाला hmm. कि लोग उसी के लिए मेरा गाना अगर सुनेंगे तो मेरे को नहीं सुना ना मेरा गाना वैसे भी आप सुन सकते मैंने कुछ मेहनत डाली उसमें <laughs> तो यार ओके okay. uh, रफ्तार के गाने में बदनाम uh, उन्होंने आपको yeah, yeah, yeah. आपका जिक्र किया हाँ, है हाँ, थ्रू वे हाउ डिड इट 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 फील आई 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 वाज वाज नॉट जस्ट केम आउट ऑफ़ नोवेयर ऐसे कैसे हो गया क्योंकि हैव हैव हैड ऐसा डिस्कशन सच विद भैया बट मेट हिम ऑन कपिल शर्मा शो राइट तो तभी हमने बात करी थी वो एकदम जैसे पापा बुलाया <laughs> 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 because he was uh, like encouraging me, and he was he looked very proud of me, okay. and that made me happy. Because मेरे को तो नहीं पता था उससे पहले कि uh, रफ्तार भाई अभी प्राउड फील कर रहे हैं किधर तो बैठ के मेरे बारे में तो <laughs> 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 तो दैट जस्ट मेड मी फील रियली हैप्पी एंड देन अगेन द सॉन्ग थिंग आई was नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल मुझे नहीं लगा था कि उस शो के बाद हम दोबारा तो अब तक मिले अभी तक तो नहीं मिले hmm. तो मुझे नहीं लगा था ये बात दिमाग में रखी होगी और अपने गाने में भी डाल देंगे ये तो सोचा ही नहीं था मैंने <laughs>

Okay. तो फिर मोटिवेशन कैसे आएगा मुझे ये सोच करके क्या है क्या है यू <laughs> मेरा पहला सवाल है इफ यू हैड टू साइन एनी लेबल फ्रॉम इंडिया फॉर योर म्यूजिक व्हिच वुड इट बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू नो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर लाइफ आफ्टर एमटीवी हसल इन थ्री वर्ड्स अ ड्रीमी तीन ही वर्ड देने ah. का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एज एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड हाई ये तो बढ़िया हो गया हाइपोथेटिकली अगर एमसी स्क् नहीं जीततेंटेस्टेंट अकॉर्डिंग एंड कृष्णा तीनों से ही मेरा कुछ भी होने नहीं वाला है बट क्या है अपना ऑप्शन मैरी कृष्णा ओके और हु कप विद अपना डिवाइन वॉट इज द थर्ड ऑप्शन एम ई वेल एम ई वे आई एम सॉरी एम ई वे बट आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द हुकप और द मैरिज ओके आपके हिसाब से वॉट इज वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू एलिमिनेट फ्रॉम द इंडियन हिपॉप सीन फ्लेक्स हु वुड यू वॉन्ट टू हैव अ ड्रीम कोलेब्रेशन विथ इंडियन और इंटरनेशनल बोबर्न हम

रफ्तार द र The 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 from his songs. <laughs> <laughs> Name the most underrated and overrated artist according to you of Desi hip hop. Underrated कौन है पहले तो? I know very little about these things. Okay. okay. I मतलब मेरा पूरा playlist आप देखोगे ना वो कुछ भी है तो आपको समझेगा ही नहीं कि मैं hip hop artist हूँ कि मैं कोई classical singer हूँ कि मैं क्या हूँ तो कौन really right, right hmm. चल रहा है मेरा, मेरा वो चल रहा है uh, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमंग में मैं वो रोज सुन रही तो हूँ uh, uh, एक बंदा है रविरा ओके okay. जो पोएट है uh, सुंदर लिखता है मुझे लगता है दिस वंस ईदर और मुंबई रैप सीन और दिल्ली रैप सीन मैं तो नहीं हूं ना दोनों में ही इंडियन रैप सीन ऑडियो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम्स या फिर व्यूज ऑन वीडियोस वीडियोस बिकॉज आई एम विडियो अच्छा अब आपको पिक करना है योर फेवरेट अमंग द फॉलोइंग ओके और करना है okay, तो डीनो okay. तो जेम्स या योयोहनी सिंह डीनो जेम्स अब डीनो जेम्स या किंग किंग <laughs> अब किंग या बादशाह <laughs> अरे यार ठीक है भैया को एक बार चुन लिया तो बादशाह भैया बादशाह या एम <laughs> सी स्टैंड बादशाह भैया <laughs> बादशाह या बादशाह भैया <laughs> बादशाह या राजा कुमारी बादशा <laughs> <laughs> <बादशाया अमी> वे बादशाह भैया बादशाह डिवाइन

मैं जीत गई हूँ हाँ ऑफ कोर्स जीत गई हूँ यार ऑफ कोर्स जीत गई हूँ लाइए वो क्लियर नहीं हो रहा है लाइए वहाँ से लाइए वो ऐसे वाला हो गया मेरी सिलेक्शन हो गई है हाँ ओ आपका गिफ्ट है तो दही शक्कर दही शक्कर थैंक यू यार